स्वागत है दोस्तों आपका मेरे चैनल रिव्यू गैराज में, और मैं हूं आपका दोस्त पंकज। दोस्तों अगर आपको भी बेबी की तरह बेस पसंद है, जब आप मूवीज देखते हैं, गेम्स खेलते हैं या म्यूजिक सुनते हैं, तो आपका काम इन ईयरफोन से तो नहीं हो पाएगा, ना ही इन वायरलेस ईयरबड से हो पाएगा। ऐसे में आपको चाहिए एक दमदार हेडफोन जिसमें आपको असली बेस का मजा मिले, जिसमें आपको वो थंप साउंड का इम्पैक्ट मिले। तो आज आपके लिए हम लेकर आ गए हैं टॉप 5 बेस्ट वायरलेस हेडफोन्स अंडर 2000 रुपीज, जो आप आज की डेट में खरीद सकते हैं। दोस्तों इनके सिलेक्शन क्राइटेरिया हमने कुछ ऐसा रखा है कि सबसे पहले तो यार इनकी साउंड क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, दमदार बेस मिलना चाहिए आपको। सेकेंड, कंफर्टेबल होनी चाहिए आपके ईयर्स में, आपके ईयर्स में पेन नहीं होना चाहिए अगर आप लॉन्ग आवर्स के लिए यूज़ करते हैं। थर्ड, बैटरी बैकअप अच्छा होना चाहिए, लॉन्ग आवर्स के लिए आप यूज़ कर सकें हेडफोन्स को। फोर्थ, कनेक्टिविटी अच्छी होनी चाहिए। हमने कोशिश करी कि आपको ब्लूटूथ प्लस ऑक्स केबल दोनों की कनेक्टिविटी आपको मिल जाए इन हेडफोन्स में। और फिफ्थ दोस्तों, लेटेंसी कम से कम होनी चाहिए, ताकि आप जो देख रहे हैं और आप जो सुन रहे हैं उसमें गैप कम से कम हो। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं, और शुरू करने से पहले अगर इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो यार सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों पांचवें नंबर में है MI के सुपर बास वायरलेस हेडफोन्स। अगर आप एक ऐसा हेडफोन ढूंढ रहे हैं जिसमें आपको हाई बैटरी बैकअप मिले, सुपर कनेक्टिविटी मिले, तो दोस्तों ये हेडफोन्स आपके लिए है। क्योंकि दोस्तों इन हेडफोन्स में आपको मिलता है ब्लूटूथ वर्जन 5.0, जिससे कि आपकी जो कनेक्टिविटी है काफी सुपर हो जाती है, काफी स्मूथ कनेक्टिविटी आपको इन हेडफोन्स में मिल जाती है। और दोस्तों बात करें अगर बैटरी बैकअप की, तो कंपनी क्लेम करती है कि आपको अप टू 20 आवर्स का बैटरी बैकअप इन हेडफोन्स में मिल जाएगा, पर रियलिटी में आपको 10 से 12 आवर्स का बैटरी बैकअप इजिली इन हेडफोन्स में मिल जाएगा अगर आप मॉडरेट यूसेज करते हैं तो। साथ में दोस्तों इन हेडफोन्स में आपको ऑक्स केबल का सपोर्ट भी मिलता है, जिससे कि अगर आपके हेडफोन्स की बैटरी खत्म हो जाती है तो आप ऑक्स केबल का यूज कर सकते हैं और कंटिन्यू कर सकते हैं मूवीज देखना या गेम्स खेलना। साथ ही दोस्तों इन हेडफोन्स में आपको इनबिल्ट माइक्रोफोन भी मिलता है, जिससे कि आप इन हेडफोन्स का यूज कॉलिंग के लिए भी कर सकते हैं। और अगर बात करें हम साउंड क्वालिटी और कॉलिंग क्वालिटी की, तो आपको एवरेज कॉलिंग क्वालिटी इन हेडफोन्स में मिल जाती है। साउंड क्वालिटी आपको अच्छी खासी इन हेडफोन्स में मिल जाती है, पर अगर हम बात करें बेस की, तो आपको डिसेंट बेस इन हेडफोन से मिल जाएगा। अगर आप हाई बेस में कुछ सुन रहे हैं तो आपकी जो साउंड क्लैरिटी वो थोड़ी सी कम हो जाती है। दोस्तों अगर हम बात करें कुछ नेगेटिव पॉइंट्स की, तो यार सबसे पहले ये हेडफोन्स फोल्डेबल नहीं है। अगर आप अपने हेडफोन्स को कैरी करते हैं तो वहां पे आपको थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है। सेकंड, इन हेडफोन्स के आपको चार्जर नहीं मिलता है, आपको सिर्फ USB केबल मिलती है, तो इन हेडफोन्स को चार्ज करने के लिए आपको अपने फोन का चार्जर यूज करना होगा। थर्ड, इस हेडफोन की जो मटेरियल की क्वालिटी वो आपको थोड़ी सी लो लगती है, आपको प्रीमियम फीलिंग नहीं आती है। फोर्थ, उतने कंफर्टेबल नहीं है ये आपके कान में, अगर आप लॉन्ग आवर्स के लिए यूज़ करते हैं हेडफोन्स को तो आपके ईयर्स में पेन हो सकता है। दोस्तों अगर आप एक ऐसा हेडफोन ढूंढ रहे हैं जिसमें आपको साउंड क्वालिटी, बेस क्वालिटी तो काफ़ी धांसू मिले ही, साथ में आपको पैसिव वॉइस कैंसिलेशन भी काफ़ी अच्छा मिले, जिससे कि अगर आप सब्जी मंडी के बीच में खड़े होकर भी कुछ सुन रहे हैं तो आपको बाहर की बिल्कुल भी आवाज़ ना आए, तो ये हेडफोन्स आपके लिए हैं। फोर्थ नंबर में बोट रॉकर्स 400, इनका प्राइस है फिलहाल फ्लिपकार्ट में 1500 रुपीज़ के आसपास। और दोस्तों अगर हम बात करें फीचर्स की, तो इस हेडफोन में आपको मिलता है इनबिल्ट माइक, जिससे कि आप इस हेडफोन का यूज़ कॉलिंग के लिए भी कर सकते हैं। ब्लूटूथ वर्जन 4.1 मिलता है, जिससे कि आपकी कनेक्टिविटी काफ़ी सही रहती है। वायरलेस रेंज है अराउंड 10 मीटर्स की। इसका वेट है अराउंड 120 ग्राम्स का, तो काफी लाइट वेट हेडफोन्स है। अगर आप यूज करेंगे तो आपको हेड में इतना बर्डन फील नहीं होगा। बैटरी लाइफ की बात करें दोस्तों, तो आपको अराउंड 6 आवर्स का बैटरी बैकअप मिल जाएगा अगर आप मैक्सिमम वॉल्यूम में भी कुछ सुनते हैं तो। चार्जिंग टाइम है अराउंड 2 आवर्स का। साथ ही दोस्तों ये हेडफोन्स फोल्डेबल है, कोलैप्सिबल है, मतलब कि कैरी करने के लिए काफी इजी रहेगा। साथ ही में दोस्तों ये हेडफोन्स ऑक्स केबल भी सपोर्ट करते हैं, मतलब कि अगर आपके हेडफोन की बैटरी खत्म भी हो जाए तो आप कंटिन्यू कर सकते हैं आप जो कर रहे हैं। दोस्तों अगर हम नेगेटिव पॉइंट्स की बात करें, तो सबसे पहले इस हेडफोन की जो बिल्ड क्वालिटी है ना, आपको उतनी प्रीमियम नहीं लगती है, थोड़ी सी लो लगती है। हाँ थोड़ी सी इंप्रूव की जा सकती थी, पर यार इस प्राइस रेंज में आपको ठीक ठाक बिल्ड क्वालिटी मिल जाती है। सेकंड दोस्तों, स्टार्टिंग में जब आप इन हेडफोन्स को यूज़ करते हैं तो आपको थोड़ा सा इनिशियल में डिसकंफर्ट फील होगा, आपको एडजस्टमेंट करने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन आफ्टर फ्यू डेज आपको ये कंफर्टेबल लगने लग जाएंगे। आप इसके बेस का और साउंड का आनंद लेना स्टार्ट कर देंगे, आपको काफ़ी मज़ा आने लग जाएगा। तीसरे नंबर में है इन्फिनिटी ग्लाइड 501, फ्लिपकार्ट में फिलहाल इनका प्राइस है 1599। दोस्तों अगर आप भी एक पबजी प्लेयर हैं और आप स्पेसिफिकली पबजी के लिए एक हेडफोन ढूंढ रहे हैं, तो ये हेडफोन आपके लिए परफेक्ट है, क्योंकि इनकी जो साउंड क्वालिटी है ना काफ़ी अच्छी है, साथ ही में आपको बेस भी काफ़ी अच्छा खासा इन हेडफोन से मिल जाता है। और बात करें फीचर्स की दोस्तों, तो इन हेडफोन्स में आपको इनबिल्ट माइक मिलता है, जिससे कि आपकी जो कॉलिंग है ना काफ़ी स्मूथ रहती है, काफ़ी अच्छी कॉलिंग क्वालिटी है इस हेडफोन की। आपको ब्लूटूथ वर्जन 5.0 मिलता है, कनेक्टिविटी काफ़ी स्मूथ मिल जाती है आपको इन हेडफोन्स में। बैटरी लाइफ की बात करें दोस्तों, तो कंपनी क्लेम करती है कि आपको 20 आवर का बैटरी बैकअप मिल जाएगा इन हेडफोन्स में, लेकिन रियलिटी में आपको 10 से 12 घंटे का बैटरी बैकअप इजीली इन हेडफोन्स में मिल जाएगा अगर आप मॉडरेट यूसेज करते हैं तो। चार्जिंग टाइम है 2 आवर्स का। साथ ही में दोस्तों आपको इन हेडफोन्स में डुअल मोड्स मिलते हैं, एक है नॉर्मल मोड और एक है डीप बास मोड।
अगर आप बेस के शौकीन हैं तो आप डीप बास में इन हेडफोन्स का यूज़ कर सकते हैं। साथ ही दोस्तों आपको इन हेडफोन्स में क्विक चार्जिंग मिलती है, जिससे कि आप 10 मिनट के चार्ज में इन हेडफोन्स को 2 आवर्स तक यूज़ कर सकते हैं। वॉइस असिस्टेंट आपको इन हेडफोन्स में मिल जाता है। और दोस्तों अगर हम बात करें कुछ नेगेटिव पॉइंट्स की, तो यार सबसे पहले तो ये हेडफोन्स ऑक्स केबल सपोर्ट नहीं करते हैं, तो इनको आपको चार्ज करके ही यूज़ करना होगा। और सेकेंड दोस्तों, इन हेडफोन्स की जो बिल्ड क्वालिटी है ना, आपको थोड़ी सी लो लगती है, लेकिन इस प्राइस रेंज में आपको अच्छी खासी बिल्ड क्वालिटी इन हेडफोन्स में मिल जाती है। दोस्तों अगर आप एक ऐसा हेडफोन देख रहे हैं जिसमें आप गेमिंग तो कर ही सकें, साथ में आप कॉलिंग भी बहुत ही आसानी से कर सकें, मतलब कि आपको ऐसा लगे कि अपने फोन से कॉलिंग कर रहे हैं, साथ ही साथ वो काफी कंफर्टेबल भी है और लुक भी काफी प्रीमियम हो, तो ये हेडफोन आपके लिए हैं। सेकंड नंबर में है बोट रॉकर्स 510। फिलहाल फ्लिपकार्ट में इनका प्राइस है अराउंड 1900 रुपीज़। और बात करें अगर इसके फीचर्स की दोस्तों, तो इस हेडफोन में आपको मिलता है इनबिल्ट माइक, जिससे कि आपकी कॉलिंग काफ़ी ज़्यादा स्मूथ रहती है। ब्लूटूथ वर्जन 4.1 मिलता है, जिससे कि आपकी कनेक्टिविटी काफ़ी स्मूथ रहती है। वायरलेस की रेंज है अराउंड 10 मीटर्स की। बैटरी लाइफ की बात करें दोस्तों, तो आपको 8 आवर्स तक का बैटरी बैकअप इजिली इन हेडफोन्स में मिल जाएगा अगर आप मॉडरेट यूसेज करते हैं तो। चार्जिंग टाइम है 2 आवर्स का। साथ ही में दोस्तों इन हेडफोन्स में आपको कंट्रोल बटन मिल जाते हैं, जिससे कि आप इन हेडफोन्स को कंट्रोल कर सकते हैं, जैसे कि कॉल्स रिसीव करना, प्ले पॉज, नेक्स्ट सॉन्ग, आप इजीली इन हेडफोन से कंट्रोल कर सकते हैं। साथ ही दोस्तों ये हेडफोन्स ऑक्स केबल भी सपोर्ट करते हैं, मतलब कि अगर आपके हेडफोन की बैटरी डेड हो जाती है तो आप इन हेडफोन्स का यूज ऑक्स केबल से भी कर सकते हैं। और साथ ही साथ इन हेडफोन्स को आप अपने गेमिंग कंसोल से भी कनेक्ट कर सकते हैं, काफी सही साउंड क्वालिटी आती है इन हेडफोन्स में। दोस्तों अगर हम बात करें कुछ नेगेटिव पॉइंट्स के, तो सबसे पहला पॉइंट तो ये है कि हेडफोन ना फोल्डेबल नहीं है। अगर आपको इसको कैरी करना होता है तो यार बैग में डाल के आप कैरी कर सकते हैं, थोड़ी सी दिक्कत यहाँ पे आ जाती है। और साथ ही साथ किसी किसी को ना इसका साइज थोड़ा बड़ा लगता है, ऐसा लगता है काफी बड़ा साइज है, तो यहाँ पे थोड़ा सा नेगेटिव पॉइंट यहाँ पे हो जाता है। दोस्तों अगर आप म्यूजिक को फील करना चाहते हैं, बेस के दीवाने हैं, साथ ही साथ कॉलिंग के लिए भी यूज करना चाहते हैं और थोड़ी बहुत शो ऑफ भी करना चाहते हैं, तो यार ये हेडफोन्स आपके लिए हैं। पहले नंबर में बोट रॉकर 600। फिलहाल इनका फ्लिपकार्ट प्राइस है अराउंड 2000 रुपीज। और बात करें इसके फीचर्स की दोस्तों, तो इस हेडफोन में आपको मिलता है बिल्ट इन माइक, जिससे कि आपकी कॉलिंग क्वालिटी एकदम स्मूथ रहती है, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी कॉलिंग में, एकदम स्मूथली कॉलिंग कर पाएंगे आप इस हेडफोन का यूज करके। ब्लूटूथ वर्जन 4.1 मिलता है, जिससे कि आपकी जो कनेक्टिविटी एकदम फ्लॉलेस कनेक्टिविटी मिलती है आपको। वायरलेस रेंज है अराउंड 10 मीटर्स की। बैटरी लाइफ की बात करें दोस्तों, तो इस हेडफोन में आपको अराउंड 6 to 8 आवर्स का बैटरी बैकअप इजिली मिल जाएगा। चार्जिंग टाइम है अराउंड 3 आवर्स का। साथ ही में दोस्तों इस हेडफोन में आपको टच कंट्रोल मिलता है, मतलब कि आप टच करके फोन्स रिसीव कर सकते हैं, सॉन्ग्स प्ले कर सकते हैं। साथ ही साथ ये हेडफोन आपका ऑक्स केबल सपोर्ट भी करता है, मतलब कि अगर आपकी बैटरी खत्म हो गई है हेडफोन की, तो आप ऑक्स केबल का यूज करके कंटिन्यू कर सकते हैं। दोस्तों सबसे बड़ा पॉजिटिव पॉइंट इस हेडफोन का ये है कि आपको इस हेडफोन में बिल्कुल भी लैग देखने को नहीं मिलेगा, मतलब कि आप जो देख रहे हैं और सुन रहे हैं ना, वो परफेक्टली मैच करेगा। अगर आप पबजी खेल रहे हो तो आपको बिल्कुल मजा आ जाएगा इस हेडफोन में। साथ ही दोस्तों अगर हम कुछ नेगेटिव पॉइंट की बात करें, तो यार एज सच इसमें आपको नेगेटिव पॉइंट नहीं मिलता है। हाँ स्टार्टिंग में अगर आप यूज कर रहे हो तो यार आपको थोड़ी दिक्कत आ सकती है, मतलब कि आप टच कर रहे हैं प्ले का, तो आपसे गलती से पॉज दब सकता है या नेक्स्ट सॉन्ग प्ले हो सकता है, तो बस इतनी सी दिक्कत है। अदरवाइज ऑल राउंड इस प्राइस रेंज में आपको अच्छा खासा हेडफोन मिल जाता है। तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो, कैसा लगा आपको यार कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो यार सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमारा थोड़ा मोटिवेशन बना रहता है कि आपके लिए ऐसा कंटेंट हम लेकर आते रहें। तो उम्मीद है कि यार आप हमारा चैनल सब्सक्राइब जरूर करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।